500 की स्पीड से हमारी जो एक्टिवा है ना भाई, वो चक्राता की पहाड़ियों पे चढ़ती जा रही है, चढ़ती जा रही है। तो भाई देहरादून से लेकर चक्राता के लिए अपनी बाइक राइड शुरू हो चुकी है और अभी टाइम हो रहा है 2:00 और तुम्हारा भाई चलाएगा एक्टिवा। एक्टिवा से जाएंगे आज हम चक्राता के लिए। भाई मौसम की बात करूँ ना, मौसम बहुत ज़्यादा ख़राब हो रखा है। कभी धूप आ रही है भाई और कभी छांव आ रही है, बहुत ही ज़्यादा मौसम ख़राब हो रखा है। और चक्राता में मौसम कैसा हो रखा होगा ये तो भाई वहीं जा करके पता लगेगा। अभी हम पहुंच चुके हैं सिद्धू वाला की तरफ। अभी सिद्धू वाला एग्जैक्ट मेरे को नहीं पता ये सिद्धू वाला है या फिर कौन सा एरिया है, लेकिन हाँ भाई सिद्धू वाला मेरे को पता है अभी, क्योंकि मैं अभी किसी के साथ जा रहा हूँ और वो मैं किसके साथ जा रहा हूँ वो मैं आपको अभी आगे बताऊँगा। अब तो पक्का भाई हम सिद्धू वाला पहुँच गए, क्योंकि ये जंगल देख करके तो मेरे को पता लग जाता है ये जंगल सिद्धू वाला ही जंगल है, क्योंकि इस मोड़ पर जो है एक माता रानी का मंदिर पड़ता है। भाई कितने बड़े बड़े पेड़ हैं यहाँ पे भाई साहब। भाई ये है वो वाला मंदिर सामने, माँ डाट काली। और भाई इस मंदिर की सच बताऊँ ना, मान्यता बहुत ज़्यादा है भाई, बहुत ज़्यादा, काफ़ी दूर दूर से लोग आते हैं। ये देखो अभी भी भंडारा चल रहा है, देखो मैंने पीछे से बता दिया था क्योंकि मुझे पता था यहाँ पे मंदिर पड़ता है। इस मंदिर की मान्यता बहुत ज़्यादा है भाई, और काफ़ी सारी बातें भी सुनी है मैंने इस मंदिर के बारे में ना भाई। जैसे लोग, जैसे ड्राइवर्स आते हैं ना उधर से, तो कई बार रात को यहाँ पे मतलब रूहें जो है घूमती हुई दिखाई देती है, मतलब ऐसा सुना है मैंने। एग्जैक्ट मुझको नहीं पता भाई ये सच है या नहीं है, अगर किसी और ने भी सुना है ना भाई ऐसा तो कमेंट बॉक्स में भाई लिख देना भाई। अच्छा हाँ ये, अच्छा हाँ ये चोट लग गई थी भाई, अब चोट लग गई तो लग गई, क्या बताऊँ भाई कैसे लगी। बीवी बहुत काम करवाती है भाई घर में यार, प्याज काट रहा था भाई और चाकू हाथ पे लग गया भाई। शादी के बाद भी इतने सारे काम खुद ही को करने पड़ते हैं यार भाई। पर जंगलों को पार करते हुए तुम्हारा भाई पहुंच गया सेलाकुई, और सेलाकुई तो सभी को पता है यार बहुत ज़्यादा रश भरी जगह है, बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ रहती है भाई सेलाकुई में, क्योंकि ये इंडस्ट्रियल एरिया है भाई। मतलब बहुत दूर दूर से लड़के लड़कियाँ यहाँ पे जॉब के लिए आते हैं, इंडस्ट्रियल एरिया है भाई, बहुत बड़ी बड़ी फैक्ट्रियाँ हैं यहाँ पे, तो भीड़ भी तो लाजमी है मिलना। और लो भाई जिसका इंतज़ार था वो घड़ी आ गई, जाम मिलना शुरू हो गया है। जाम बहुत ज़्यादा भी नहीं है लेकिन आगे ट्रक जा रहा है भाई, उस वहाँ तक मुझे क्रॉस करने के लिए बहुत ज़्यादा टाइम लगने वाला है। ये देखो भाई एक गाड़ी, फिर उसके बाद दो गाड़ी, फिर तीन गाड़ी, फिर चार गाड़ी। अच्छा हुआ भाई ये दिन का टाइम है भाई, दिन में तो यहाँ पे भीड़ सच में बहुत कम नज़र आ रही है मेरे को, मैं पहली बार आया दिन में। शाम को तो यहाँ पे पैर रखने की जगह नहीं होती, इतनी ज़्यादा भीड़ होती है भाई साहब। वैसे तो मैं आप लोगों से यार रुक कर तसल्ली से बात करता, लेकिन मौसम थोड़ा ख़राब है, कभी धूप कभी छाँव, तो मैं सोच रहा हूँ जल्दी से जल्दी ये रास्ता कवर हो जाए, जितना जल्दी मैं रास्ता कवर करूँगा, जितना दूर तक मैं जा पाऊँगा, फिर आराम से तसल्ली से बैठ करके आपसे बातें कर पाऊँगा। तो इस रास्ते को पहले जल्दी से जल्दी कवर कर लेता हूँ, फिर जहाँ भी रुकता हूँ ना फिर मिलता हूँ आपसे बस थोड़ी देर बाद। तो जैसा मैंने आपको बोला था अभी रुक करके आपसे बात करूँगा, लेकिन पीछे तो देखो भाई साहब हरियाली, तो देखो हरियाली एकदम हरे भरे भाई साहब। मतलब ऐसी वाली हरियाली के पास ही मेरे को रुकना था, मैंने सोचा ही था कि हरियाली के पास ही रुक करके आपसे बात करूँगा, ऐसा ऐसा पीछे का व्यू पे बात करूँगा ना कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ जाता है भाई। तो बता ही देता हूँ मैं किसके साथ जा रहा हूँ, एक्चुअली मैं नहीं बताऊँगा वो खुद ही बताएंगे। हेलो गाइस कैसे हो आप कौन? मैं पुनीत कुमार हूँ। ये है मेरे जीजा जी जो आज मेरे साथ जा रहे हैं, हम दोनों जा रहे हैं चक्राता की राइड पर। कहते हैं ना जो राइड करनी चाहिए ना वो अपनों के साथ करनी चाहिए, अपनों के साथ राइड करने का मज़ा ही अलग है। सही बोला ना? सही सही बिल्कुल सही राइड। तो जीजा जी और मैं जा रहे हैं आज चक्राता की राइड पर, और वो चक्राता हम क्यों जा रहे हैं वो तो आपको आने वाले व्लॉग्स में पता चलता ही रहेगा। तो अभी दो गलती हमने कर दी है, एक तो पीछे भुट्टे वाले मिले थे हमने भुट्टे नहीं खाए, एक बोतल नहीं मिली, एक पानी की बोतल हमने मिस कर दी, वो हम घर से नहीं लेके आए, 10 रुपये बच जाते वरना, अब लेनी पड़ेगी 10 रुपये की पानी की बोतल। तो मिलता हूँ जल्दी अभी किसी शॉप पर जा करके। भाई आगे का मौसम देख करके साफ पता लग रहा है कि ऊपर बारिश हो रही होगी बहुत ज़्यादा। तो भाई शॉप तो नहीं मिली, लेकिन हाँ जिस चीज़ का इंतज़ार नहीं था वो चीज़ मिल गई, और उसको बोलते हैं बारिश। तो बारिश जो है व्लॉगिंग में खलर डाल चुकी है, और अब गोप्रो को रखना पड़ेगा बैग के अंदर, तभी आगे की राइड कंप्लीट हो पाएगी। तो थोड़ी ही आगे जैसे ही बारिश कम होगी तब मैं मिलता हूँ आपसे। तो भाई बारिश की तबाही देखते हुए, जो कि बारिश हमारे पर कहर बरपा रही है, रुकी नहीं रही है भाई। तो फिर भाई ने तो पहन लिया जादू का चोला और अब मैं बारिश से बच जाऊँगा ठीक है। और आप क्या पहन रहे हो? जीजा जी को मिली है वाइट पन्नी, अभी पहनने के बाद कैसा लुक आता है अभी देखते हैं। ये भैया आगे से देखो विपरीत चीज़ें, ऊपर तक पन्नी पहन लिया, दो पन्नी लेकर के आ रखे, एक खराब भी हो गई ना तो दूसरी काम आ जाएगी।
और भाई फाइनली बारिश थोड़ी सी कम हो गई है, मैंने कहा भगवान जी से प्रे करी भैया थोड़ा सा व्लॉगिंग करने दो प्लीज मेरे को, बड़े टाइम बाद तो देहरादून से बाहर जा रहा हूँ और सामने इतने अच्छे अच्छे से नज़ारे हैं भाई, कहीं धूप कहीं इतने बड़े बड़े पहाड़, तो ऊपर से बारिश, इतना अच्छा मौसम हो रखा है यार, ऐसे मौसम में तो व्लॉगिंग का मजा ही अलग है, जब किनारे किनारे इतने हरे भरे खेत हो भाई साहब, और लेफ्ट राइट दोनों तरफ खेत है भाई, अभी दिखाता हूँ मैं आपको, ये देखो भाई साहब क्या हरियाली है भाई। कभी धूप है, कभी छांव है, कभी बारिश है, भगवान के भी अजब ही खेल है, लेकिन हम तो समझ नहीं पाएंगे। लेकिन भाई पानी की बोतल मिल गई तो पहले पी लेते हैं पानी, फिर करता हूँ बात। अच्छा ये भी है, ये भी है, हाँ नमकीन भी है। तो यहाँ से भाई शुरू होता है अपना चक्राता का सफर, क्योंकि कालसी हम पार कर चुके हैं, सैया भी हम पार कर चुके हैं, और सैया से आगे के जो नज़ारे हैं भाई वो बिल्कुल ही बदले हुए हैं भाई, बड़े बड़े पहाड़ दिखाई देने शुरू हो गए हैं और ठंड भी लगनी शुरू हो गई है। लेकिन तुम्हारा भाई पहले से ही इंतजाम करके लाया स्वेटर का, और भाई 500 की स्पीड से हमारी जो एक्टिवा है ना भाई वो चक्राता की पहाड़ियों पे चढ़ती जा रही है, चढ़ती जा रही है, चढ़ती जा रही है भाई, हिम्मत ही नहीं आ रही है। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा मतलब पावर है यार एक्टिवा में, मुझे पता नहीं था यार, बहुत टाइम बाद चला रहा हूँ ना एक्टिवा यार। दो बार मैं परेशान हो चुका हूँ, अपना कैमरा निकाल कर रख चुका हूँ बारिश की वजह से, और अब ये तीसरी बार भाई बारिश मेरे को परेशान कर रही है, छोटी 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 सी बारिश आ रही है आ रही है। मैं सोच रहा हूँ यार गोप्रो के अंदर की साइड मतलब जहाँ पर माइक लगता है ना यार वहाँ पर ना चली जाए भाई, इतना बड़ा नुकसान नहीं करवाना है, हम बहुत छोटे यूट्यूबर हैं भाई अभी। तो वैसे तो मैं अभी नहीं निकालने वाला गोप्रो को, लेकिन हाँ अगर बारिश पड़ती है तब तो निकालना पड़ेगा, वरना ऐसे ऐसे नज़ारे कैसे दिखा पाऊँगा मेरे भाई। ओहो हो भाई साहब क्या नज़ारे हैं भाई, इधर से तो देखो जरा नज़ारे भाई, क्या गजब नज़ारे आ रखे हैं भाई साहब, पूरे बादल बादल। आगे भी देख करके चलना है भाई, जोश में होश नहीं खोना है, नज़ारे तो बड़े अच्छे अच्छे हैं, वो तो मैं वीडियो को एडिट करते हुए भी देख सकता हूँ ना। तो भाई चक्राता रह गया है 34 किलोमीटर, लेकिन हम 34 नहीं बोलते हैं, हम बोलते 40 किलोमीटर, 40 तो रह गया होगा क्योंकि 6 किलोमीटर तो किलोमीटर यार मैं क्या बोल रहा हूँ यार, कन्फ्यूजन हो जाती है कभी कभी ना, तो 6 किलोमीटर तो हम एक्स्ट्रा जोड़ ही सकते हैं, लेकिन वो कहते हैं ना मंजिल से ज़्यादा रास्ते खूबसूरत होते हैं, तो वो तो देख लो भाई क्या नज़ारे हैं यार, क्या नज़ारे हैं, वाह भाई। देहरादून से हम आए ही इसलिए हैं ऐसे ऐसे नज़ारों को देखने के लिए, पूरा हरे भरे, पूरा हरे भरे भाई, मतलब ये वाला टाइम चल रहा है ना सावन वाला, बारिश होती रहती है बहुत ज़्यादा, तो धूल डस्ट मिट्टी डाउन में रहती है, और नीचे एक नदी जा रही है जिसकी साउंड आ रही है बहुत अच्छी अच्छी, वहाँ पे जा रही है वो नदी वो रही। और इधर तो भैया क्या ही नज़ारे बोलूँ, यहाँ से लेके वहाँ तक सारी हरियाली हरियाली हरियाली, पूरे इतने बड़े बड़े पहाड़ बहुत बड़े बड़े भाई। जब मैंने देहरादून से बाइक राइड शुरू की थी तो मैंने बोला था कि जब फैमिली वालों के साथ बाइक राइड करते हैं ना, मतलब परिवार वालों के साथ बाइक राइड करते हैं तो मज़ा अलग ही आता है, वो मैंने क्यों बोला था क्योंकि जीजा जी हैं, थोड़ी बुराई मैं करूँगा परिवार की, थोड़ी बुराई मतलब बीवियों की बुराई करने का मज़ा ही अलग आ जाता है। इसीलिए मज़ा आता है ना बाइक राइड करने में, थोड़ा जानने वालों के साथ बाइक राइड करने का मज़ा ही है, थोड़ा इन्जॉयमेंट हो जाता है अच्छा। अब अनजानों के साथ बाइक राइड करो तो क्या बात करोगे कि भाई वहाँ पे ब्लास्ट हुआ था, वहाँ पे बलम वो बंदा वहाँ घूम रहा है, वो वहाँ घूम रहा है, वो वहाँ ब्लॉगिंग कर रहा है, हमारी बातचीत ऐसी नहीं होती, हमारी बातचीत ऐसी होती है कि मामे क्या हो रहा है, मेरी बीवी इतनी ज़्यादा गंदी है, बीवियों की बुराइयाँ, घर वालों की बुराइयाँ, अपनी ये वाली चलती है ना यार, तो इसका तो मज़ा अलग यार, मतलब दोनों जानते हैं ना, समझ सकते हो आप, दोनों सेम है ना इसलिए। चलो फिर इन्जॉय करते हैं अपने बिस्किट्स लेकर के, और ये पार्ले जी है भाई है ना, इसके बहुत ज़्यादा फायदे होते हैं पता है, मैंने सुना था एक रोटी का काम करता है पूरा ये पेट भरने के लिए, क्योंकि ये गेहूं का होता है। ओ भाई इस रास्ते को देख करके तो लद्दाख वाली फीलिंग पूरी पूरी जाग गई मेरी भाई, गड्ढे देखो, पानी देखो, पूरी टूटी है सड़क यहाँ पर। ओ भाई बना दो इन रास्तों को, ओ भाई 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 इधर शायद कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, इतना इतना मतलब पहाड़ों में इतना धूल होती नहीं है भाई जितना ज़्यादा धूल इस साइड हो रखी है, पूरा टूटा पड़ा है रास्ता, हो सकता है यहाँ पर ना पहाड़ नीचे गिरा हो इस दर का हो इस वजह से दिक्कत आ रखी होगी ये वाली,
जल्दी टाइम जल्दी पूरी कर लेगी गवर्नमेंट वो भी। बाकी ये सब छोड़ो, उधर के नज़ारे देखो आप भाई, सामने पहाड़ पे जो धूप गिर रही है ना, और वो पूरे हरे हरे नज़र आ रहे हैं भाई। तो देहरादून में तो यार हम परेशान हो जाते हैं, मतलब ऐसे ऐसे नज़ारे देखने के लिए। जैसे ही पहाड़ों की तरफ आते हैं, हर तरह के हर जगह के पहाड़ यार अपने को ना सेम ही लगते हैं, मतलब अपने को तो हर जगह खूबसूरत ही लगते हैं। पता नहीं, कोई बोलता है कि कश्मीर अच्छा है, कोई बोलता है लद्दाख अच्छा है, कोई बोलता है कि भाई हिमाचल अच्छा है, कोई बोलता है उत्तराखंड अच्छा है, लेकिन अपन बोलते हैं कि अपन लोग को जहाँ मर्जी ले जाओ भाई, कोई दिक्कत नहीं है, अपन लोग सब जगह जाने को तैयार है, हमें तो सारी जगह अच्छी लगती है भाई, कहीं भी ले जा लो। अभी यहाँ पर मैं क्यों रुका, सामने से देखो भाई वाटरफॉल, क्या ज़बरदस्त वाटरफॉल आ रहा है भाई साहब, वहाँ से ऊपर से आ रहा है, शायद कैमरे में नज़र आ रहा होगा, एकदम वाइट वाइट वाटरफॉल वहाँ से आ रहा है। और ऐसे ऐसे ना तीन चार झरने में देख चुका हूँ, बड़े बड़े झरने देख चुका हूँ भाई मैं। तो यार चलो यहाँ पे रुक करके कुछ फोटोग्राफी कर लेते हैं भाई। ओए 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 ओए, घोड़े 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 भाई, मोड़ों पर घोड़े आ गए थे, ऐसा हो गया था तो इसलिए बाइक को रोकना पड़ा। लेकिन यहाँ के जो नज़ारे देखते हुए मैं जा रहा हूँ ना भाई, सफ़र का पता ही नहीं लग रहा है। ये तो वही वाली बात हो गई भाई, मंजिल तो खूबसूरत होगी भाई, लेकिन सफ़र भी बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। ऐसे ऐसे नज़ारे बीच में मिल रहे हैं, एक दो झरने मिले लेकिन मैंने गाड़ी को रोका नहीं, क्योंकि थोड़ा लेट भी हो रहे थे ना। बड़ा वाला मिलेगा ना तब रोकूंगा मैं उसके पास, और तब आपको वहाँ से रोक करके मस्त मस्त से नज़ारे दिखाऊंगा भाई। ओ भाई, मतलब कहीं पे छाँव है, कहीं पे धूप है, और इतना प्यारा व्यू नज़र आ रहा है ना भाई सामने, मतलब पहाड़ भी और ऊपर बादल भी, स्काई भी। ओए होए होए, वाह यार मज़ा आ गया भाई। चक्राता 30 किलोमीटर, यानी कि यार पीछे भी 30 ही लिखा होता है, यहाँ पे भी 30, मतलब मैं तो कंफ्यूज हो जाता हूँ, लेकिन कोई बात नहीं, लंबा रास्ता है, चलते रहेंगे आराम आराम से, कोई बात नहीं भाई। रास्तों में ऐसे भेड़ बकरियाँ भी बहुत ज़्यादा मिल रही हैं, ये देखो ये जो रास्ते जाम कर देती है पूरा ये देखो बहुत सारी है, बहुत सारी हर जगह मिल रही है, मतलब पहाड़ की टाइप, पहाड़ की जो साइड होती है ना भाई, वहाँ पे गायें और बकरियाँ तो मतलब सभी की होती है, क्योंकि दूध के लिए वो किसी पे निर्भर नहीं रहते ना यार। यहाँ पे खाने को बहुत कुछ होता है, हरा हरा घास मिल जाता है उनको, और ये मतलब बढ़िया चीज़ है यार, वो लोग अपना खर्चा मतलब खुद ही उठा लेते हैं दूध वूध का। तो शहरों में तो वो मिलावट वाला दूध मिलता है, और वो भी कितना मिलता है भाई, 60 रुपये, 70 रुपये लीटर, 80 रुपये लीटर तक भी मिलता है भाई। तो भाई जैसा मैंने आपको कहा था, वैसे ही मुझे बड़ा वाला वाटरफॉल मिल चुका है, और मैंने आपको पहले ही बोला था बड़ा सा वाटरफॉल आएगा ना तो मैं आपको दिखाऊंगा, कुछ फोटोज़ भी कैप्चर करेंगे। बढ़िया वाला कैमरा जो ले रखा है हमने, अच्छा वाला कैमरा। तो अगर आप फोटोग्राफी के, मतलब क्या बोलता रहता हूँ यार मैं, अगर आप फोटोग्राफी भी देखने के शौकीन हो ना, तो मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट भी जाकर के एक बार चेक कर लेना भाई, फॉलो कर लेना यार, गरीब बच्चा हूँ यार, अच्छी अच्छी सी फोटोग्राफी कर लेता हूँ भाई मैं। तो वाटरफॉल देखो भाई कितना बड़ा है, वहाँ से ऊपर से ये देखो, ऊपर से आ रहा है, नीचे बहुत गहरा है भाई, बहुत ज़्यादा। एक बार दिखाता हूँ, बस कैमरा नहीं गिरना चाहिए यार। बहुत गहरा है भाई, बहुत ज़्यादा गहरा। तो अच्छी अच्छी चीज़ फोटोग्राफी करता हूँ यहाँ पे, और फिर मिलता हूँ आपको थोड़ा सा आगे जा करके। भाई सामने बोर्ड पर लिखा हुआ है चक्राता और स्माल्टा या समाल्टा जो भी है, और सैया हमने क्रॉस कर लिया है, इसको बोलते हैं अपर वाला सैया, अभी सैया की मार्केट में ही है। और भाई देख लो कुछ ऐसी करके मार्केट है, लगभग सभी कुछ अवेलेबल हो जाता है भाई, जैसा कि मेरे को दिख रहा है, बहुत सारी शॉप्स हैं, कपड़े की शॉप भी है, और मतलब सभी शॉप है यार, क्या बोलूँ मैं, कोई अपने बच्चों के साथ आएगा तो गिफ्ट ले लेना। ओहो, हो गई चक्राता के जंगलों में एंट्री हमारी। तो जी स्वागत है आपका चक्राता के जंगलों में, चक्राता की हसीन हसीन वादियों में। चक्राता मतलब हम एंटर कर चुके हैं, और रास्ते और वेदर बिल्कुल ही बदल गया, अब मेरे को थोड़ी थोड़ी सी ठंड लगने लगी है, यानी कि चक्राता के पहाड़ों में हम आ चुके हैं, यानी कि क्योंकि चक्राता के पहाड़ों से पहले तो इतनी ज़्यादा गर्मी लग रही थी, हाँ मतलब पहले गर्मी लग रही थी, अब ठंड लग रही है बहुत ज़्यादा, तो चक्राता आ गए हम। और भाई यहाँ का पीछे का व्यू तो आप देख ही चुके हो, इतना अल्टीमेट व्यू मिला है ना, मेरे से गाड़ी आगे चली ही नहीं। और यार मैं जब भी पहाड़ में जाता हूँ ना, तो ये वाले पेड़ मेरे को जरूर मिलते हैं, कांटे वाले। तो अबे भाई आँख में मत घुस भाई, दो ही तो आँखें, एक को बंद कर देगा तो फिर दूसरी से तो ये वाले पेड़ मेरे को हमेशा मिलते हैं भाई, अगर किसी को इसका नाम पता है ना भाई तो मेरे को प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताना। इसको वो नहीं बोलते, वो जो फेस पे लगाते हैं ना एलोवेरा, वो तो नहीं बोलते, क्योंकि इसमें कांटे भी देखो कितने बड़े बड़े हैं, ये देखो ये बड़े भयंकर वाले कांटे होते हैं भाई, ये देखो लगता है एलोवेरा के जैसा ही है, लेकिन इसके अंदर कुछ नहीं होता है, ये देखो मैंने तोड़ा भी है, कुछ नहीं होता है इसके अंदर ना।
तो यार ये कौन सा वाला पेड़ है, इसने मेरे को बहुत परेशान किया है, बहुत ज़्यादा काटा है पता है। पहले पहले ना जब मैं पहाड़ों में जाता था ये मेरे को बहुत चुभता था, अब तो मैं बच के रहता हूँ इससे, बहुत ज़्यादा दूर रहता हूँ इससे भी। और वो जो केचुली सी होती है ना उससे, जिससे खुजली हो जाती है चिंग, उससे भी बहुत ज़्यादा बच के रहना पड़ता है अब तो पहाड़ों में। और यार बातों बातों में मैं आपको ये तो बताना भूल ही गया कि यहाँ से जहाँ पे हम अभी खड़े हैं यहाँ से चकराता की दूरी रह गई है 22 किलोमीटर, पीछे बोर्ड पे लिखा हुआ था, लेकिन 4 किलोमीटर जो हम बाइकर्स होते हैं ना वो एक्स्ट्रा लेकर के चलते हैं, तो 25 या 26 मान लो, तो यहाँ से 25 या 26 का मतलब हो गया 1 घंटे की दूरी। ओ भाई पीछे वाइड एंगल देख रहे हो कितना ज़्यादा है, गोपरा तो बवाल है भाई। तो 1 घंटे की दूरी रह गई है जहाँ तक मतलब लगभग हमें जाना है, उस कोई गांव है वहाँ पर जाना है, मुझको तो नहीं पता, जीजा जी को उस गांव का नाम पता है, उन्होंने 3 बार बता दिया पर मैं तो भूल ही जाता हूँ ना। कैसा लगा भाई वो वाला नज़ारा, वो तो मैं दिखाना भूल ही गया था, लेकिन जहाँ हम जा रहे हैं जीजा जी वो गांव का नाम क्या है? कोरवा गांव है। कोरवा विलेज है वो जहाँ पर हम जा रहे हैं। क्यों जा रहे हैं वो तो आपको अगले व्लॉग में पता लगेगा, अभी तो नहीं बताएंगे, वो तो राज की बात है। वो तो राज की बात है। कुछ कुछ जगह पे यार लैंडस्लाइड भी मिला है, देखो कैसे करके बजरीपुरी रोड पर आ रखी है, तो कुछ कुछ जगह पर लैंडस्लाइड भी मिला है भाई। ऐसा नहीं है कि सफ़र बहुत आसान होता है पहाड़ों पर, जब हम जाते हैं तो यार पूरा प्रिपेयर होकर के जाते हैं हर तरह से। यार एक बार कमेंट में बताओ, मुझे ही ऐसा लग रहा है या आपको भी ऐसा लग रहा है कि पूरे पहाड़ों के नज़ारे बदल गए हैं जैसे ही मैं ऊपर आया हूँ ना भाई? पहाड़ पूरे इतने बड़े दूर दूर तक भी हो गए, कितने बड़े बड़े भी, और इस साइड और इस साइड, एक तरफ खाई एक तरफ बड़े बड़े पहाड़, बिल्कुल ही नज़ारे बदल गए भाई ऊपर आते ही। ये मुझे ही लग रहा है या आपको भी लग रहा है? मतलब पहाड़ों का रंग बदल गया, कौन कौन से रंग नहीं है भाई, ये देखो इतने प्यारे प्यारे से फूल, ये देखो भाई कितने प्यारे प्यारे से फूल खिल रखे हैं पहाड़ों में, और इधर हरे भरे से घास से, और मतलब थोड़े गंजे गंजे पहाड़ भी हैं वो वाले भी हैं, मतलब हर तरह के रंग है भाई। ये घास वाले पहाड़ भी आ गए जिनके ऊपर घास उगी हुई है, और ये दूर से इतने प्यारे लगते हैं ना भाई देखने में, मस्त मस्त व्यू आता है इनका भाई। अब पेड़ों वाले पहाड़ शुरू हो गए, बड़े बड़े पेड़ वाले पहाड़, अभी तक घास वाले पहाड़ चढ़ रहे थे, अब पेड़ों वाले, अब पेड़ ही पेड़ हैं पहाड़ों के ऊपर। यार काश अपना भी एक ऐसा घर, ऐसी जगह में घर होता, इतनी जगह ऐसी मतलब हरी भरी जगह में यार, तो कितना मज़ा आता ना यार। मतलब मैं खेत को खोदता और मेरी वाइफ जो है उसमें सब्जी वगैरह लगाती, और फिर जब उस पर फल फ्रूट आ जाते, फल फ्रूट नहीं बोलेंगे वेजिटेबल्स बोलेंगे, हाँ मतलब हरी भरी सब्जियाँ हो जाती, तब दोनों के दोनों उसको तोड़ते और बनाते और खाते, कितनी अच्छी मस्त सी लाइफ होती है यार। पीछे देखो यार कितनी ज़्यादा हरियाली है, ये देखो यार ऐसा व्यू कहाँ मिलेगा यार, कहाँ मिलेगा, मेरा मन ही नहीं कर रहा है यहाँ से उठने का यार। ये देखो हर तरफ हरियाली हरियाली, और इतने अच्छे अच्छे मतलब बादल, ऐसे बादल तो मैंने मतलब देहरादून में दिखते भी नहीं है यार सच में यार। और इधर बादल नीचे आ रखे हैं, अगर आपको दिख रहा होगा वो देखो, मैं पकड़ लूँ क्या इनको? हाँ पकड़ सकता हूँ मैं इनको। तो यार ये वाली जो लाइफ का मज़ा है ना वो सिर्फ पहाड़ों में ही है यार, ठीक से बैठ जाता हूँ। तो मैं बता रहा था ना आपको यार, ये वाली लाइफ जो है ना बस पहाड़ों में ही मिलती है। अब देखो कितना वाला मस्त वाली जगह पे बैठ गया हूँ मैं कमर लगा करके, और पीछे देखो क्या मस्त मस्त है व्यू, ये वाले व्यू कहीं नहीं दिखने वाले भाई, मतलब नीचे नहीं दिखने वाले, ऊपर की साइड दिखेंगे। तो इन फ्यूचर अगर मेरे पास यार बहुत अच्छा सा पैसा हुआ ना कभी, तो मैं शहर में ज़मीन बिल्कुल भी नहीं लेने वाला यार, मैं कोशिश करूँगा मतलब पहाड़ों में ज़मीन लूँ, और साल में एक दो तीन महीने यहाँ पर आकर के स्पेंड करूँ, क्योंकि बहुत सारी जो बीमारियाँ होती है ना वो मतलब कट जाती है यहाँ पर ना, अच्छी 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 हवा आती है, बिल्कुल नेचुरल हवा आती है, और बहुत सारी बीमारियाँ हमसे दूर रहती है। पता कोरोना तक नहीं आया था पहाड़ों में, पहाड़ के लोग ऐसे ही घूम रहे थे, मज़े मार रहे थे, और हम वहाँ पर घरों में पैक थे, ऐसा हाल था हम लोगों का पता है। तो चलो फिर एक और पार्ले जी खोलते हैं और एक और पार्ले जी खाते हैं। तो अब फिर हम दोनों बैठ गए हैं, और फिर दोबारा से हमारी मतलब वही वाली बातें शुरू हो जाएंगी घर वाली। हमारे पीछे देखो कितनी सारी बकरियां, पर यार ये देख करके ना भाग रही है, डर रही है, मतलब ये ना ये देखो ये खा रही है भाई, इतना सारा हरियाली मिलती है ना इन लोगों को खाने को। वो भाई 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 बकरा भी है, वो देखो वो देखो, यही थी वो वाली बात जिस चीज़ से डर लगता है भाई, उन दोनों की आपस में लड़ाई हुई, और इन लोगों की आदत होती है सिर से ऐसा करके मारने के लिए। मैं तो पास जाऊंगा नहीं इनके ना, ऐसा वाला शौक नहीं है। डॉग्स बहुत अच्छे होते हैं, डॉग्स और काओ, नहीं यार ज़्यादा इंग्लिश हो गई,
हाँ डॉग्स बोल सकते हैं, और अपनी गाय माता बहुत अच्छी होती है यार, वो लोग नहीं मारते कभी किसी को ना, इनमें जो बकरे होते हैं ना वो बहुत जोर से मारते हैं। देखो पास पीछे पीछे आ रहा है, देखो ये देखो वो नहीं पीछे पीछे आ रही है मेरे, मुझको और मुझको पता है वो मारते हैं, ऐसा करके मारते हैं, मुझको कन्फर्म है तो मैं पास में नहीं जाने वाला। और यार यूँ ही मस्ती मस्ती करते 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 हम पहुंच गए हैं कोरुआ गांव, पीछे लिखा हुआ आया है 4 किलोमीटर। और पता है पहाड़ों की एक और बात खास होती है, यहां पर ना छोटी सी ढोल बजे ना तो बहुत दूर तक आवाज़ आती है, तो अभी ढोल की आवाज़ आ रही थी तो समझ गए हम यहीं कहीं आसपास ही है, मतलब उनका घर जिनके यहां हम जा रहे हैं। अब मैं बैठ गया हूं एक्टिवा के पीछे और अब चलाएंगे हमारे जीजाजी, और मैं मज़े लेता चलूँगा नज़ारों के, और आपको भी दिलवाऊँगा ये देखो। आ गया ना भाई मस्त मस्त नज़ारों के मज़े देखने में, क्या बोला मैंने, मुझको भी नहीं पता, मतलब मज़ा आ गया ना आपको नज़ारे देखने में, मुझको तो आ गया भाई, मतलब इतने प्यारे प्यारे पहाड़ है ना भाई, क्या बताऊँ। यहाँ के पहाड़ ना हिमाचल वाले पहाड़ों से मिलते जुलते हैं, क्योंकि चक्राता जो है ना हिमाचल और चक्राता इनके बीच में एक ही रिवर है शायद, तो दोनों के पहाड़ लगभग एक जैसे ही हैं, बड़े बड़े पहाड़, खूबसूरत पहाड़, पीछे घास वाले पहाड़, ऐसे ऐसे पहाड़ आते हैं। और ये पीले वाले फूल यार, मेरे को टाइम मिलेगा ना भाई मैं ज़रूर रोकूंगा गाड़ी नेक्स्ट वीडियो में, शायद देखना जरूर हाँ तो नेक्स्ट वीडियो में मैं ये वाले फूल आपको जरूर कैप्चर करके दिखाऊंगा भाई। देखो भाई, ओ देखो भाई पहाड़ पे धूप जो है क्या मस्त लग रही है, ऊपर नीला नीला आसमान भाई, अभी ठीक है यार, आंखों पे ना हवा लग रही थी बहुत तेज, क्योंकि तुम्हें पता है यार पहाड़ में हवा बहुत तेज चलती है यार, मस्त वाला मज़ा आ रहा है सच्ची बताऊँ ना, सच्ची वाली भाई सच में मज़ा आ गया चक्राता वाली राइड में ना, इसमें तो मतलब यहाँ तक आने में इतना ज़्यादा मज़ा आया ना भाई मैं क्या ही बताऊँ, फुल मज़े किए फुल मज़े अभी तक आने में। दो पार्ले जी के बिस्कुट खा गया, मतलब मैंने ज़्यादा खाया, इन्होंने तो कम खाए थे, मुझको क्योंकि पार्ले जी ज़्यादा पसंद है यार। अब भाई एंट्री हो गई हमारी कोरवा विलेज में, अब कोरवा विलेज में देखना पड़ेगा हमको कहाँ जाना है क्या, वो जिसके यहाँ जाना है ना भाई उसको कॉल कर देंगे और वो हमको लेने आ जाएगा, क्योंकि पहाड़ों के लोग भाई बहुत अच्छे होते हैं सच्ची बता रहा हूँ भाई, मैंने पर्सनली फील किया है पहाड़ों के लोग ना बहुत अच्छे होते हैं। तो भाई चक्राता की हसीन हसीन वादियों में आपका फिर से स्वागत है, इवनिंग हो गया ना इसलिए। और भाई वहाँ पर हम पहुँच चुके थे जहाँ पर हमको आना है, बैग वैग अपने जो बड़े थे वहाँ पर रख दिए, और अब मैं निकल गया हूँ थोड़ा ट्रैकिंग करने के लिए पैदल घूमने के लिए, और एक भैया है साथ में जो मतलब पूरा हमें दिखा रहे हैं, मतलब जिनके हम आए हैं वो सब कुछ बता रहे हैं यहाँ के बारे में, मतलब चक्राता के बारे में। थकान तो थोड़ी सी लग जाती है, हम लोग यार शहर में रहते हैं ना इसलिए थोड़ा ज़्यादा चलते नहीं है, तुम्हारा भाई तो ट्रैकिंग वैसे करता भी रहता है तब भी थोड़ा सा तो चलने में हम लोगों का हो जाता है भाई, इतने अच्छे अच्छे मतलब व्यू है ना यहाँ पे इतने अच्छे, ओए होए होए इधर पूरे बादल देखो नीचे आ रखे हैं, इधर पूरे बादल नीचे आ रखे हैं, उधर अपना ब्लू ब्लू स्काई, इधर डार्क वाला, मतलब कितने सारे कलर्स जो हैं यहाँ पर मिक्स हो रखे हैं पता है, इतने अच्छे अच्छे फ्लावर्स, इतने अच्छे अच्छे ग्रीनरी भाई, इतनी अच्छी लाइफ है ना यार मैं क्या ही बताऊँ। तो भाई यहाँ से जो चक्राता की दूरी रह गई थी 12 किलोमीटर, मतलब ये पड़ता तो चक्राता में ही है पर मेन चक्राता जो है यहाँ से 12 किलोमीटर आगे है, और व्यू तो सेम ही है, व्यू तो बहुत ज़्यादा प्यारे प्यारे हैं, बड़ा मज़ा आ रहा है, ऑक्सीजन लेवल भी बढ़ गया शायद फील हो रहा है मेरे को ना ऐसा ऐसा। तो भाई इस वीडियो को करता हूँ इसी प्यारे प्यारे से व्यू के साथ एंड, और फिर मिलूँगा आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए आप सब्सक्राइब कर देना और शेयर कर देना इसी प्यारी सी मुस्कान के साथ, फिर मिलूंगा नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।